हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज हो गया। इस मंत्रिमंडल विस्तार में 10 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें बीजेपी कोटे से 8, जेजेपी कोटे से 1 और 1 निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया। इन मंत्रियों की शपथ के साथ ही अब खट्टर सरकार में मंत्रियों की संख्या 12 हो चुकी है। आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जिन विधायकों को हरियाणा अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं, याद विज के बिना मैं सब प्रकार के मैं अनिल विज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा से निष्ठा रखूंगा। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। सरकार बनी तो मंत्रिमंडल की कवायदे शुरू हो गई और गुरुवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में हुए इस विस्तार में 6 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली, जबकि 4 विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किन दिग्गजों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली और किन चेहरों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ये बने कैबिनेट मंत्री। वरिष्ठ बीजेपी नेता और अंबाला छावनी से विधायक अनिल विज ने शपथ ली। बीजेपी के बड़े नेता और जगाधरी से विधायक कंवरपाल गुर्जर ने ली शपथ। वरिष्ठ बीजेपी नेता और बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने ली शपथ। ओम प्रकाश चौटाला के भाई और रानिया से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह ने शपथ ली। बीजेपी नेता और लोहारू सीट से विधायक जेपी दलाल ने शपथ ली। बावल सीट से बीजेपी विधायक बनवारी लाल ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। ये वो सियासी दिग्गज थे जिन्होंने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। आइए अब आपको बताते हैं कौन से वो चेहरे जिन्होंने राज्य मंत्री की शपथ ली है। ये बने राज्य मंत्री। नारनौल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश यादव ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। कैथल सीट से बीजेपी विधायक कमलेश ढांडा ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। उकलाना सीट से जेजेपी विधायक अनूप धानक ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। पिहोवा से बीजेपी विधायक संदीप सिंह ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा में बीजेपी ने इस बार जेजेपी और 7 निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाई है। इसके तहत जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने हैं। 27 अक्टूबर को सीएम मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली थी। इसके बाद से मंत्रिमंडल विस्तार का इंतजार किया जा रहा था और आखिरकार गुरुवार को 6 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों के शपथ लेते ही हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट R9 TV।